हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं KFC स्टाइल चिकन फ्राई बनाई हूँ। ये बहुत ही ईजी रेसिपी है और बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे बनता है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लेग पीस को ऐसे बीच से कट कर लिया है। अब मैं इसको साइड में रख रही हूँ। अब मैं एक यहाँ मैंने 100 ग्राम दही लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 गिलास चिल्ड पानी, फ्रिज का पानी है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच अदरक पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन पेस्ट। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक है। 1 चम्मच मिर्च पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च। अब मैं सबको अच्छी तरह से मिक्सर से मिक्स कर देती हूँ ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, अच्छा सा घोल रेडी हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब मैं इसमें डाल लूँ 1 नींबू, इसमें डाल देती हूँ मैं। ये मैंने नींबू लिया है, इसका रस मैं इस पर डाल दूँगी। फिर नींबू को मैंने 2 पीस में काट लिया है, पूरा मैं इसमें निचोड़ देती हूँ। ये पूरा नींबू इसमें जाएगा। ये बहुत ही अच्छा बनता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे बनता है KFC में, उसी तरह का फ्राइड चिकन बनेगा ये KFC वाला। ये पूरा नींबू चला गया इसमें। अब मैं अपना ये चिकन के पीसेस इसमें ऐड कर देती हूँ और इसको मैं 4 से 5 घंटा वेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी ताकि अच्छी तरह से ये इसमें जो है ये मसाला जो है ये मैंने जो डाला है इसमें अच्छी तरह से अपने अंदर ऑब्जर्व करे, अच्छा से चिकन मेरा गल जाए। इसको मैं 5 से 6 घंटा तक इसको मैं इसी तरह डुबा के छोड़ दूँगी। आप नॉर्मल भी रख सकते हैं ऐसे रूम टेम्परेचर, या फिर फ्रिज में भी रख सकते हैं, ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो फ्रिज में रख दीजिए ओवरनाइट और अच्छा बनेगा। तो मैं इसको ऐसे ही रूम टेम्परेचर में इसको मैं 5 से 6 घंटा रख दूँगी, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, अब मेरा 5 से 6 घंटा हो गया मेरा चिकन को। अब मसाला रेडी करते हैं। ये मैंने लिया है 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। अब मैं इसमें ऐड करूँ 3 टेबल स्पून मैदा, 1 चम्मच ब्लैक पेपर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक है। 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ उसमें सीजनिंग डाल रही हूँ जो पिज्ज़ा में डाला जाता है वही है। अब मैं इन सब मसाला को इसी तरह अच्छा से मिक्स कर लेती हूँ ताकि ये सब मैदा और कॉर्नफ्लोर में सारा मसाला मेरा मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। आपके पास अगर बेकिंग सोडा ना हो तो आप 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर दे सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँ मसाला को। ये मैंने लिया है 1 गिलास ठंडा पानी, फ्रिज का ठंडा पानी है, चिल्ड पानी है। ये रहा हमारा चिकन जो मैं इससे ऐसे निकालूंगी एक एक करके, इस तरह से थोड़ा सा डीप करके ऐसे इसको इस मसाले में इसको इस तरह से ऐड करूंगी। अच्छा से मुझे कोटिंग करना है इसमें। तेल मेरा गर्म हो रहा है, मैंने तेल गर्म करने के लिए दिया है गैस के ऊपर। मुझे अच्छा से इसको कोट करना है इसमें ये मसाला। और ये जो पानी है मेरा इसे मुझे इस तरह से इसको 1-2 सेकंड के लिए इसको ऐसा छोड़ना है। फिर इसको आराम से ऐसा करके तो डिप करके
फिर इसको दोबारा से कोट करना है। देखिए अच्छी तरह से मेरा ये जो मसाला है इसमें कोट हो जाए। अच्छा से मेरा इसको फिर मैं दोबारा पानी में डिप करूँगी 1-2 सेकंड के लिए। देखिए इस तरह से मैं पानी इसका डिप करके निकाल दूँगी, फिर मैं इसको दोबारा इस तरह से कोट करूँगी मसालों में। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। मेरा तेल गर्म हो गया है, अब मैं आराम से इसको इस तरह से इसमें छोड़ दूँगी। मीडियम फ्लेम में इसको मुझे फ्राई करना है। सेम प्रोसेस में मैं सारा ऐसा मसाला कोट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने सारा डाल दिया है सेम प्रोसेस में। अब मैं मीडियम फ्लेम में पकाऊँगी, फ्राई करूँगी, सॉरी 2-4 मिनट ऐसे थोड़ा हिला देती हूँ ताकि तेल ऊपर नीचे हो जाए और अच्छा से मेरा ये फ्राई हो जाए। इसको हमें टच नहीं करना है अभी 2-3 मिनट तक, 2-3 मिनट बाद ही टच करना है इसको, नहीं तो ये टूट सकता है। चलिए फ्रेंड्स 2 मिनट हो गए तो टर्न कर देते हैं इसको। बहुत ही अच्छा सफाई हो गया है, थोड़ा टर्न करने से इधर भी अच्छा सफाई कर लेती हूँ मैं। मिनट फ्राई हो जाए उसको टर्न कर दूँगी। जो फ्रेंड्स 4 से 5 मिनट हो गए, बस अच्छा से इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर देती हूँ, चारों तरफ से फ्राई हो जाए। ऑलमोस्ट मेरा चिकन अब रेडी है, 1-2 मिनट और फ्राई कर लेती हूँ फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। जो फ्रेंड्स अब मेरा फ्राई हो चुका है, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, मैं आपको फिर सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मेरा KFC स्टाइल चिकन फ्राई बिल्कुल रेडी है, बहुत ही क्रंची बना है, बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आप जरूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।